इस लॉजिक को समझ लीजिए कि बंगाल में हम एनआरसी करेंगे, सीए करेंगे और एक एक घुसपैठ को मैं निकालूंगा, तो बताइए डरा के वोट नहीं मांग रहे हैं आप? डरा रहे हैं? हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारे बाप दादा गुजरे, हमारी अपनी ज़मीन है, अपनी जागीर है, अपने इलाका है, मेरी कुर्बानी है, पुरखों से हमारे कौम का हिंदू मुसलमान कोई आज नया नहीं आया। लेकिन सवाल आप जो करने जा रहे हैं ये नामुमकिन है। जहां ममता बनर्जी हम लोगों को सुरक्षा देके, हम लोगों का उन्नयन लेके, हम लोगों का कन्याश्री, रूपश्री, सबुज साथी, हम लोगों का जुबोश्री लेके सब प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य साथी, दुआरे सरकार, ये सब तो ममता बनर्जी का बंगाल बनाएगा। बंगाल कैसे करके बनेगा, तो सब खा जा रहा बेच के, इसको कहां से बनाएगा वो? पेट्रोल का डीलरशिप बेच दे रहा, हर चीज बेच दे रहा। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाल मस्जिद के पास और तपसिया में, और यहाँ पर हमारे पास बड़े बुजुर्ग लोग हैं मौजूद, या इनसे भी जानना चाहेंगे क्या हो रहा है अंकल, इस बार कैसा माहौल है? हमसे मत पूछिए, हम तो झूठ बोलेंगे, हम लोग मुसलमान झूठ बोलते हैं। अब हमारा मोहल्ले में जो सर हिंदू मोदी लोग है, स्टोर है, बड़ा जो दुकान वाले है, वो लोग से आप लोग स्टेटमेंट ले लीजिए, वो लोग हम लोग के बारे में जो बोलेगा आप लोग वो राय लीजिए। क्या क्या बोलने वाला? वो लोग ये बोलने वाले हम लोग मुसलमान कभी आज चले पीछे नहीं पड़े, हम लोग गाली गलत से बात नहीं किया कभी कोई, हम लोग रात 12-1 बजे तक दुकान खुला रखता है, मगर हम लोग भाई भाई हम लोग महीने में 10,000-15,000 रुपया का राशन खाते हैं, ऐसा कभी हम लोग का कोई ये नहीं। आप लोगों के बीच कभी हिंदू मुस्लिम किसी तरह की भावना नहीं, कोई सारे लोग भाई भाई की तरह भाई और रहना भी चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ अंकल भी है, क्या कहना चाह रहे हैं आप अभी, यहाँ कैसा माहौल है? यहाँ का माहौल, ये बंगाल है, यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ कोई किस्म का भेदभाव नहीं है, हर किस्म के लोग रहते हैं, हिंदू बंगाली मुसलमान सब हैं। अब रहा जहाँ तक आप जो पूछना चाहते हैं, यहाँ का माहौल ये है कि टीएमसी ममता बनर्जी का काम इतना ज़्यादा हुआ है, इतना काम किए, इतना किए हैं जो उसका कोई, आप खुद टीवी खोल कर देखिए, पुन्ना सही हैं बच्चे लेडीज लोग के बारे में, शादी ब्याह में पैसा देना और तमाम चीज़ बता बनेंगी, जितना बताएंगे उतना कम है। लेकिन सबसे बड़ा बात है यहाँ बीजेपी जो चाह रहा है, बीजेपी को यहाँ पर ही वोट नहीं मिलेगा, और कोई आदमी हिंदू मुसलमान या कोई वोट नहीं देगा बीजेपी को, सिर्फ देगा टीएमसी को। यहाँ के रहनुमा अभी ममता बनर्जी है, उन्होंने काम किया है, उनका काम के आधार पर लोग उन पर जान दी निछावर कर देते हैं। अब रहा और कोई बात पूछिए तो मैं बताता हूँ। तो क्या लगता है यहाँ पे बीजेपी को लोग इसलिए नहीं पसंद करते हैं ताकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान की भावना? अरे भाई वो तो कहता हम एनआरसी करेंगे, आप बाप दादा का कागज जिसका है वो रहेगा, वो आपने टीवी में सुना, वो चैलेंज करता है कि मैं जीतूंगा 200 सीट में, और मैं इस लॉजिक को समझ लीजिए कि बंगाल में हम एनआरसी करेंगे, सीए करेंगे और एक एक घुसपैठ को मैं निकालूंगा, तो बताइए डरा के वोट नहीं मांग रहे हैं आप? डरा रहे हैं? हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारे बाप दादा गुजरे, हमारी अपनी ज़मीन है, अपनी जागीर है, अपने इलाका है, मेरी कुर्बानी है, पुरखों से हमारे कौम का हिंदू मुसलमान कोई आज नया नहीं आया। लेकिन सवाल आप जो करने जा रहे हैं ये नामुमकिन है, एकदम नहीं हो सकता है। लेकिन अभी मछुआरों को भी उन्होंने कहा कि 6,000 रुपया देंगे। अरे पैसे में तो दुनिया बिक रहा है भाई, आप बताइए पैसे लेके क्या होगा? पैसे के लिए तो रोजी रोजगार सब खत्म हो गया लॉकडाउन के बाद, इसके आगे रुपया बंदी हुआ, सब हुआ, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सारी दुनिया के हर मुल्क में गए, कहाँ नहीं गए, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं किया, नेहरू के ज़माने से लेके मैं उस दौर से पैदा हुआ हूँ, और पहला प्रधानमंत्री नेहरू था, और नेहरू के बाद अभी तक मैं जिंदा हूँ, और अभी तक देख रहा हूँ कि इस वक्त प्रधानमंत्री को जो चुना गया है, चाय वाला है, जो भी है पिछला रिकॉर्ड जो इनका है चाय वाला, और ये कहता मैं दरवान हूँ, ये कहता टीवी में कि मैं कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, मैं झूला लेके आया हूँ, झूला लेके चला जाऊँगा, और फरका परस्ती से लेके आज यूपी में देखिए, आप लखनऊ में देखिए, बनारस में देखिए, तमाम तरफ इनका मामला चल रहा है, तो सब तरफ आज टीएमसी से कुछ लोग जो अच्छे होते हैं, गरीब होते हैं, लीडर है जरूर, बात सुनिए, बात बोलने दीजिए, ये बिकाऊ है, तो सब बिकाऊ नहीं है, सब आदमी बिकाऊ नहीं है, सब आदमी मामूली गरीब आदमी है, इसको पैसा नहीं चाहिए, वो पैसा किसको दे रहा? अभी जैसा आपने उससे पहले सवाल किया था, यहाँ पर ही मौलाना है, मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ेगा,
मैं उनका कदर करता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन ये टपक के आके राजनीति में बीजेपी का होके उनके होके बताएगा कि हमको वोट दिए, कोई वोट नहीं देगा कोई मौलवी को, मौलवी मस्जिद आपका इशारा जो अब्बास सिद्दीकी की जी, हाँ अब्बास सिद्दीकी का नाम लेके कह रहा हूँ। वो कहता है कि पड़ा पानी छीट के आप लोग, ये सब चलता नहीं है, ये धोखा देने वाली है, ये कुछ नहीं है, ममता बनर्जी छोड़ के कोई सवाल ही नहीं है। और इस इलाके में आप जो आए हैं, यहाँ का रहनुमा जावेद अहमद खान है, फैयाज अहमद खान है, इन लोगों को पुरखों के यहाँ के लोग के जमींदार हैं, ये लोग यहाँ के रईस हैं, यहाँ पढ़े लिखे हैं, इन लोगों लोगों को ताउन करते हैं, इनका नाम इतना है कि ये आज आगे भी जीते थे, अब की भी MLA में जीतेंगे, वो अब की वोट में भी जीतेंगे, और उनकी रहनुमाई की वजह से ममता बनर्जी का पार्टी जीतेगा। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार बंगाल का क्या मूड है। बंगाल में तो ममता बनर्जी हमेशा लड़ती आई है, हम लोग महिलाओं के लिए बहुत गर्व का मुख्यमंत्री है, और हमें लगता है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कोई हरा नहीं सकता। हो सकता है कि सीट का 19-20 हो सकता है, और वो भी बीजेपी का चालाकी, जो लोग जो मैंने बदमाशी किया है वो सब करके थोड़ा सा वोट कम हो सकता है, मगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हार नहीं सकती, क्योंकि वही एक महिला मुख्यमंत्री है। पहले वो जब मुख्यमंत्री नहीं भी थी तब वामफ्रंट के ज़माने से वो लड़ती आ रही है, उनको बहुत बार घायल किया गया, बहुत चीज़ में उनको रोका गया, मगर वो डट के खड़ी हुई करके वो अभी महाकरण नवान्नो में अपना जगह बनाई है, और इंशाल्लाह इस बार भी वही जीतेंगी। वो तो इतना देर तक वो तो चाय बेचते थे, एक चाय बेचने वाला, एक तड़ी पार इंसान, दोनों कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई हम लोगों का वो शायद होम मिनिस्टर है जो काम कर रहे हैं, मगर उन लोग तो अपने लिए वहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, यहाँ पर आके उन लोग कुछ अच्छा नहीं कर सकता, कभी कुछ नहीं किया यहाँ पे। लॉकडाउन में कितना रुपया कितना आदमी मर गया, हाँ कितना आदमी मर गया, मुझे क्या किया, और आदमी को मरा दिया। दीदी आ रही, दीदी आएंगे, और ये हम लोग का 66 वार्ड में जावेद खान का सिवा, फैज खान का सिवा दूसरा कोई नहीं आएंगे। दीदी के पास है, सब दीदी के ऊपर है, दोनों में बाहर में बाहर जा रहा, बीजेपी गैप हो जाएगा बंगाल से, और क्या दीदी का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। क्या है बीजेपी काम करती है, पब्लिक का भी करती है, हम तो भी करती है, तभी ना बीजेपी कह रही है कि असली विकास हम करेंगे, कुछ नहीं करेगा, पूरा विकास खत्म कर देगा, पूरा आकाश पूरा सब खत्म कर देगा, सब खत्म कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबको खत्म कर दिया, नौजवान का भी नौकरी खा लिया है, बहुत सारा गए जो बंगाल है दीदी चला रही है आस्ते आस्ते करके, और कुछ करेगा आएगा ना, हमने अगर से नौजवान घूमता है ना कोई नहीं घूर सके काम काज कुछ नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं अंकल, सुना है बंगाल बनाएगा, बंगाल कैसे करके बनेगा, तो सब खा जा रहा बेच के, इसको कहाँ से बनाएगा वो, एयरपोर्ट बेच दिया, पेट्रोल का डीलरशिप बेच दे रहा, हर चीज बेच दे रहा, वो कहाँ से बनाएगा, अंडानी सुन रहे हैं दलाल है उसका, अंडानी दलाल है, तो कैसे दे रहा है, चल ভালো করে খেলো দেখাচ্ছে কেন, একদম খেলো হবে, একদম ভালো করে খেলো হবে, ভিখারি বঙ্গাল বনা দেগা, মোদি আয়েগা না তো ভিখারি বঙ্গাল বনা দেগা, এসে হম লোক হোনে নেই দেঙ্গে, হম লোক সব এক সাথে, হম লোক হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, ইয়া হিন্দু মুসলিম চলা রা সব এই চলেগা ভুইয়া, ইয়া বঙ্গাল বহুত সব বঙ্গালী লোক সব না হুঁশিয়ার হে সমঝদার হে, सुभेंदु को तो दौड़ा दे रहा, जहाँ जहाँ जा रहा सुभेंदु को दौड़ा, चप्पल झाड़ू देकर दौड़ा दे रहा, तो कहाँ से आ गया बीजेपी वहाँ, क्या बोल रहे हैं अभी तो कोई, अभी आप लोग का चारा नहीं है ना, अभी लोग का चारा वही विभाजन, जब एकता था तब कहाँ गया था, विभाजन किया तो वही लोग तो आया, बेचो ही बेचो, वो बेचो वो बेचो, एक ही मुद्दा है राम, मोदी का मुंह है पेट्रोल का दाम का बात है, गैस का बात है, खाली राम छोड़ा उसके बाद कोई इशू नहीं है, अभी लोग तो उसी में खुश है ना, लोगों को 20 रुपया लीटर तेल, और मुस्लिम को क्या 100 रुपया पेड़, ऐसा तो लोग समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में नहीं आ रहा, पैसा का खेला है, वो जो अंबानी आदानी जो बैठा हुआ ना उसी का ही चल रहा है, राम मंदिर में क्या सबका पेट चल जाएगा, खिला देगा राम मंदिर, मस्जिद का बोलते है क्या, खिला देता है, आदमी जाता अपना इबादत करता है, इबादत सब ये, और उसमें राम मंदिर बन गया, ये बन गया, और राजनीति में वो करते रहते, उसका आदत है, शुरू से वही आदत है बीजेपी का,
हिंदुओं ने खेलो, मुस्लिमों ने खेलो, सिख को लेके खेलो, ईसाई को लेके खेलो, ये सब खेल खेल के लोग राजनीति बढ़ाया है। ये लोग जो पब्लिक सपोर्ट करता है ना, वो सर क्या बोलेंगे, कुछ तो बोल नहीं सकते। समझदारी आज मेरे को आएगा और आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है आदमी लोग को जो बीजेपी क्या गंडागोल कर रहा है। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।